जय श्री कृष्ण। कृष्ण की यह कहानी शुरू होती है मथुरा नगरी से। उग्रसेन मथुरा राज्य के महाराज थे, देवकी उनकी बेटी, जबकि कंस उनका बेटा था। कंस बेहद अत्याचारी था, लेकिन वो अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था। राजा उग्रसेन की पुत्री देवकी का विवाह यदुवंशी राजा वासुदेव के साथ हुआ। विदाई के वक्त देवकी के भाई कंस ने घोषणा की, मेरी बहन की विदाई जिस रथ से होगी उसका सारथी मैं बनूंगा। कंस ने रथ की लगाम अपने हाथों में ली और वो देवकी और वासुदेव को लेकर चल पड़ा। लेकिन तभी अचानक आसमान में घोर अंधकार छा गया, तेज हवाएं चलने लगी, बिजलियां कड़कने लगी। कंस अचंभे में पड़ गया और फिर स्वर्ग में आकाशवाणी हुई, सावधान कंस, जिस दिन की तू इतने प्रेम से ले जा रहा है उसी के गर्भ से उत्पन्न आठवीं संतान तेरा वध करेगी। ये सुनकर कंस तिलमिला उठा, अपने हाथों में तलवार उठा ली और वो हमला करने के लिए आगे बढ़ा। कंस की बहन देवकी ने कंस से हाथ जोड़कर निवेदन किया, भैया भैया हमें छोड़ दो। तुम्हें इसलिए छोड़ दूं ताकि तुम्हारा जीवन मेरी मृत्यु बन सके। कंस, देवकी तुम्हारी बहन है और तुम्हारा का न मैं न देवकी बल्कि हमारा आठवां पुत्र है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि देवकी के गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हें सौंप दूंगा। कंस देवकी और वासुदेव की बात तो मान गया, लेकिन उसने दोनों को कारागार में डलवा दिया। पिता उग्रसेन ने जब अत्याचारी कंस का विरोध किया तो कंस ने अपने पिता को भी राज सिंहासन से हटाकर कारावास में डलवा दिया और राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया। वक्त बीतता गया, वासुदेव और देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए। नहीं भैया, भैया मेरे बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, भैया इसे छोड़ दो। नहीं, मेरा बच्चा, मेरा पुत्र। बीतते वक्त के साथ कंस ने देवकी के एक एक कर 7 बच्चों को मार डाला। होनी को कौन टाल सकता था। आखिरकार वो रात भी आई जब देवकी के गर्भ से 8वीं संतान उत्पन्न। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव कैद थी उसमें अचानक प्रकाश प्रज्वलित हुआ। वासुदेव के सामने चतुर्भुज भगवान विष्णु प्रकट हुए। तब भगवान ने उनसे कहा, वासुदेव, देवकी, तुम दोनों ने मुझे पुत्र रूप में पाने के लिए कई सालों तपस्या की है, इसलिए मैं आज तुम्हारे यहां जन्म ले रहा हूं। वासुदेव, विलंब ना करो, मुझे तुरंत यमुना के पार गोकुल ले जाओ। वहां नंद की पत्नी यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया है, तुम मुझे यशोदा के पास बिठाकर उस कन्या को यहां ले आओ। वासुदेव, अब देर ना करो। वासुदेव ने अपने 8वें पुत्र को गोद में उठा लिया। उनकी जंजीरें खुल गई, सारे प्रहरी गहरी नींद में सो गए। वासुदेव अपने पुत्र को लेकर कारावास से निकल पड़े। उस रात बड़ा तूफान आया हुआ था। वासुदेव को यमुना पार कर गोकुल पहुंचना था। यमुना कृष्ण की बटरानी है, इसलिए अपने स्वामी के चरण स्पर्श करने के लिए यमुना का स्तर भी बढ़ गया। लेकिन जैसे ही यमुना ने श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श किया, यमुना का जल स्तर घट गया। बारिश से कृष्ण को बचाने के लिए शेषनाग अपना फन फैलाए वासुदेव के पीछे पीछे चलने लगे। वासुदेव यमुना को पार करके नंद जी के घर पहुंचे। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और यशोदा की नवजात कन्या को लेकर मथुरा के कारावास लौट आए। कारागृह के फाटक पहले की तरह अपने आप बंद हो गए। देवकी के 8वीं संतान पैदा होने की खबर कंस को दी गई। कंस गुस्से में तिलमिलाया कारागृह पहुंचा और देवकी से उसकी 8वीं संतान छीन ली।
कंस ने जब उस कन्या को पृथ्वी पर पटकना चाहा, तो वो कन्या आकाश में विलीन हो गई और आकाशवाणी हुई। अरे मूर्ख कंस, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन जाएगा, तुझे तेरे पापों का दंड देगा। कंस डर गया। कंस ने अब कृष्ण को मारने की साजिश रचनी शुरू कर दी। मथुरा कारागार में देवकी से जन्मे कृष्ण गोकुल धाम जा पहुंचे थे, जहां उनका पालन पोषण यशोदा मैया ने किया और इस तरह भगवान कृष्ण के नन्हे पांव इस धरती पर पड़े।